नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल 23 साल पुराने एक मामले में संजय सिंह को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया था और उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। इस बीच हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिल गई है। संजय सिंह को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब 22 अगस्त को संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यूपी के सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट ने 23 साल पुराने केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस से इन सभी को 28 अगस्त तक पेश करने के लिए कहा था। ये मामला 19 जून 2001 का है। नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आम आदमी पार्टी के मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कुछ लोगों ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। बिजली की बदहाल व्यवस्था के विरोध में इन सभी ने फ्लाईओवर के पास धरना प्रदर्शन किया था। उस समय के कोतवाली नगर के सब इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इन सभी को दोषी माना और सभी को 3-3 महीने की सजा सुनाई थी। इन सभी ने सजा से बचने के लिए सेशन कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन वहां भी कोई राहत नहीं मिली। बीते 9 अगस्त को इन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया, लेकिन सरेंडर करने की बजाय इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। इस बीच संजय सिंह ने अपने वकील के जरिए कामकाज में व्यस्तता का हवाला देते हुए सरेंडर की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने संजय सिंह की मोहलत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने संजय सिंह समेत सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 20 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया था। तो फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था गिरफ्तारी का, उस पर रोक लगा दी है और अब संजय सिंह की जमानत पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी। फिलहाल एक राहत की खबर जरूर है संजय सिंह के लिए, लेकिन देखना होगा कि जब जमानत पर सुनवाई होगी तो फिर कोर्ट का फैसला क्या आता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।